नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हब फॉर एजू में आपका स्वागत है। टेक्निकल, एजुकेशनल और करंट अफेयर्स वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल स्टडी फॉर एजू। Today we are going to discuss some important topic of economics. आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें अगर आपको ये हेल्प देता हूँ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये जो मुद्दा है, भारत में अभी आप देख रहे हैं कितने जोर शोरों से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के काम चल रहा है और ये कोई एक नया इशू नहीं है, लेकिन भारत ये जो स्वीकार किया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ये 1991 जैसे हम जानते हैं एलपीजी की जो पॉलिसी थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, भारत ने इसकी शुरुआत 1991 के दशक में शुरू किया। जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना ने इसके पहले ही यानी 1980s में ही इसकी शुरुआत कर चुका था। तो कुछ बारीकियों, कुछ संक्षिप्त तरीके या जो चीज़ें हैं उनको जानने के लिए हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो क्या है, बेसिकली इसमें जो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसमें हम बात करते हैं जिसमें कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसमें मॉडर्नाइजेशन हो और जो फास्टर जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करता हो, ठीक है। तो आज हम हमारा जो टॉपिक होगा आज हम पूरा इसी पर ही बात करेंगे आपसे। ये टर्म यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये जो टर्म है ये वाशिंगटन कंसेंसस, ठीक है, से जनरेट होता है और इसको अप्रूवल मिला है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों से। वाशिंगटन कंसेंसस का जो टर्म जो था वो जॉन विलियमसन के द्वारा ये प्रदान किया गया था। इसमें क्या फीचर्स होते हैं SAP में, ठीक है, इट इंक्लूड्स रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ मॉडर्नाइजेशन फॉर अटेनिंग फास्टर ग्रोथ ऑफ GDP, यानी GDP में फास्टर ग्रोथ, अधिक ग्रोथ लाने के लिए इसमें हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं और साथ में मॉडर्नाइजेशन भी हो। और आप लोगों को मालूम होगा कि 1991 के बाद हम लोगों ने इस पर काम भी किया है, स्वीकार भी किए हैं। इट टेक्स टू द प्राइवेटाइजेशन एंड डी रेगुलेशन, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, साथ में ये प्राइवेटाइजेशन को भी अडॉप्ट करता है और डीरेगुलेशन यानी जो रेगुलेशन का जो मार्केटिंग था यानी लाइसेंसिंग की जो पद्धतियां थी उसको हटा करके उसको एक लिबरल नॉर्म्स में लाया गया यहाँ पर, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स मतलब कि जो हम ट्रेड की बात करते हैं दोनों देशों के बीच, तो उसमें जो बैरियर्स आते हैं जैसे कि आपको मालूम होगा कि टैरिफ, तो इस टैरिफ को बार बार कम किए जाने की बात हो रही है। तो इस तरह हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब इस एलिमेंट्स क्या है, इसमें SAP का जो एलिमेंट्स है बेसिकली, इसमें पहला जो आता है इसमें फिस्कल डिसिप्लिन, यानी सरकार जो है किसी भी हाल में एक फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करेगी ही करेगी, ठीक है, या करना चाहिए आप ये कह सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स यानी आप आजकल देख रहे हैं कि जिसे कि 2018 का जो बजट आया है उसमें एक बहुत बड़ा वाइड टैक्स रिफॉर्म्स हुआ है और ये रिफॉर्म्स बेसिकली 5 लाख तक का स्लैब जो है उसको टैक्स फ्री किया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये SAP की ही बात हो रही है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ टैक्स रिफॉर्म्स की बात आती है। फाइनेंशियल मार्केट्स शुड बी पार्शियली लिबरलाइज्ड, यानी जो फाइनेंशियल मार्केट है, देखिए मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है मॉनेटरी मार्केट, दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है यानी जब हम ट्रेड करते हैं
ट्रेड के लिए फाइनेंशियल मार्केट में, यानी जो शेयर मार्केट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसके जो नॉर्म्स वगैरह उसको लिबरल किया जाना, ठीक है। एक्सचेंज रेट शुड बी कॉम्पिटिटिव, एक्सचेंज रेट को जो फिक्सेशन किया जाता है, ठीक है, दो तीन तरह का वो पद्धतियां होती हैं। एक होता है कि पेग्ड एक्सचेंज रेट, यानी जिसमें कि एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारा यहाँ वॉलेटाइल है सिस्टम, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो कॉम्पिटिटिव होगा, यानी इसमें कई सारी चीजों का मिश्रण होता है और हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। एक्सचेंज रेट को काफी कॉम्पिटिटिव बना दिया जाता है, ठीक है। वैसे तो अब इंडिया का मतलब एक्सचेंज रेट लगातार गिर रहा था, ठीक है, खैर ये अलग बात है, इसका एक अलग टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आता है इम्पोर्ट कोटाज शुड बी रिप्लेस्ड बाय टैरिफ। देखिए, जब भी कोई हम विदेशों से माल का आयात या निर्यात करते हैं, ठीक है, तो उसमें दो तरह की बात आती है, एक होता है टैरिफ और एक होता है कोटा, ठीक है। टैरिफ वो सेंस में होता है कि जिसमें कि हम पैसे देते हैं, यानी उसमें टैक्स, एक एक तरह का हम टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। जबकि जो कोटा है, कोटा में क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑन ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो हम किसी भी वस्तु का आयात निर्यात में, हम उसको कोटा में जो पहले हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे उसको हटा करके, ठीक है, हम टैरिफ में रिप्लेस करने की बात करते हैं। नेक्स्ट, बैरियर्स इंपेंडिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन शुड बी रिमूव्ड। यानी ये सीधे सीधे तो तौर पर अगर बोले तो ये एक ग्लोबलाइजेशन की तौर की तरफ हम जा रहे हैं। जो ट्रेड बैरियर्स है, यानी ट्रेड करने के लिए कई तरह का बैरियर्स होता है, तो उन बैरियर्स को हम कैसे यहाँ ब्रेक करें, उसको हम कैसे आइसोलेट करें, तो उन सभी टर्म्स को बहुत लिबरल कर दिया जाना। नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट शुड रिमूव रेगुलेशन दैट आर नॉट जस्टिफाइड सच एज सेफ्टी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ETC। देखिए, सरकार जो है कई तरह के जो रेगुलेशंस बनाती है, जैसे कि आपको याद होगा कि 1991 के पहले एक जो पॉलिसी था, जो रेगुलेशन था, वो था कि आपको जब भी कोई आम तौर पर किसी इंडस्ट्री का सेटअप करते थे तो उसके लिए उसका लाइसेंसिंग पॉलिसी की बात आती थी। लेकिन अब जो है उस लाइसेंसिंग पॉलिसी को हटा दिया जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ में यहां तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा सेफ्टी और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, सेफ्टी में जैसे कि मान लेते हैं कि जो हम WTO में जो व्यापार करते हैं, उस व्यापार में आपको एक क्लॉज आता है सैनिटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी वस्तु का हम या तो खरीदते हैं या तो बिक्री करते हैं, उसमें उसको अप्रूवल होना चाहिए सैनिटरी और साइटोसैनिटरी का, ठीक है। अगर अप्रूवल नहीं होगा तो हम अपने सामान को बिक्री एट इंटरनेशनल लेवल में नहीं कर पाएंगे। और शायद इसीलिए भारत के बहुत सारे एक समय था, भारत में जो वस्तु बनती थी, निर्मित होती थी, उसको हम सेंड या जो हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसमें वो अप्रूवल नहीं होने की वजह से वो रिटर्न हमें दिया, वापस कर दिया गया, ठीक है। वहीं दूसरी ओर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात आती है। आजकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, तो सस्टेनेबल में हम मिनिमम से मिनिमम इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाएं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब रेगुलेशंस अगर लागू होता है तभी हम बोल सकते हैं इसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि आज के डेट में SAP का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या सिनेरियो है। देखिए, एज पर 2018 इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लोन्स सिंस 1990। सही बात है कि 2018 की अगर हम बात कर लें तो 1919 में हमने ये स्वीकार किया था 91 के प्रोग्राम पॉलिसी के बाद, ठीक है। तो इंडिया बहुत बड़ा एक इसको लोन के रूप में इसको स्वीकार या मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है इसको, ठीक है। और प्रेजेंट में वाशिंगटन कंसेंसस हैज बीन रिप्लेस्ड, ठीक है, जो वाशिंगटन कंसेंसस है उसको रिप्लेस कर दिया गया सेंटियागो कंसेंसस के नाम पर, ठीक है। अब ये सेंटियागो कंसेंसस क्या है, ठीक है, तो पोस्ट 2000 एरा में आपको मिलेगा ये सेंटियागो कंसेंसस। इट शोज लार्जर कंसर्न फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस,
देखिए, पहले जो हम बात करते थे कि वो बहुत एक लिमिटेड दायरे में, ठीक है, मात्र हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज जहां तक हम बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत वाइडर प्रस्पेक्टिव की बात करते हैं, उसमें इक्विटी यानी सामाजिक समानता के बारे में बात करते हैं, सामाजिक जस्टिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटियागो कंसेंसस के आधार पर हमारा जो भी जो काम करने का तरीका है वो एक ब्रॉडर हो चुका है।